हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। तो मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक चैनल मेकर सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो है, प्लीज इसको साइट इंजीनियर तक जरूर पहुंचाना। जितने भी बच्चे जो साइट पर परेशान हैं, ये भी जो साइट पर जॉब कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना। क्यों? क्योंकि एक साइट इंजीनियर का दुख था जिसको मैं इस वीडियो के रूप में रूपांतर कर रहा हूं। यानी एक साइट इंजीनियर बच्चा था, वो बहुत ही अच्छा लड़का है और उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं साइट पर हूं और बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। अब आप बोलोगे सर परेशान क्यों? अब साइट का टाइम ड्यूरेशन आप सबको पता है किस तरीके से रहता है टाइम ड्यूरेशन साइट का। अब टाइम ड्यूरेशन के साथ चलो ठीक है, टाइम ड्यूरेशन को हमने मैनेज किया, बट लोकेशन क्या रहता है आपको ये भी पता है कि उसमें भी क्या प्रॉब्लम्स आती है। अब लोकेशन भी चलो ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम फैमिली के जब स्वरूप में आते हैं, यानी जब हमारी मैरिज वगैरह होती है, अब उसके बाद क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि हम अपने फैमिली के साथ टाइम को स्पेंड करें। यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन नहीं है और हमें गाइड कर दिया जाता है स्टार्टिंग में। पता नहीं क्यों लोग गाइड करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही गाइड कर दिया जाता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। अब दिक्कत क्या हुई, एक बार चले गए साइट पर ना, हो गया। उसके बाद तो फिर आपको पता है कि जहां पे जाओगे लोग साइट के लिए अप्रोच करेंगे, साइट इंजीनियर का जॉब ले लो, साइट इंजीनियर का जॉब ले लो। चलो ठीक है, स्टार्टिंग में कर लिया, साल भर कर लिया, छह महीने कर लिया, अब कितना प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे भैया? ठीक है, जिसको लेना है वो एक महीने में भी सीख जाता है। ठीक है, मुझे पता है कितना काम होता है। तो अब प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों कि इसके बाद हम अपने करियर को कैसे सेटल करें। करियर में प्रॉब्लम आ जाती है और उसके बाद लोग कहीं भी अप्रोच करने जाते हैं, लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। तो ये वीडियो उन सबके लिए है जिनके साथ ये चीजें हो रही हैं। मैं खुद उस चीज को फेस किया हूं, सो मुझे बहुत अच्छे से पता है कैसे प्रॉब्लम्स होती है। गाइस, आप सबको पता है कि साइट पर हम गए और रात में अगर स्लैब होने लगा तो स्लैब की कास्टिंग होने में पूरी रात लग जाती है, और जनरली ऐसा होता ही है कि टाइम ड्यूरेशन का कुछ फिक्स नहीं होता है वहां पर। अब ऐसे में क्या कर सकते हैं आप? ऐसे में आपके पास एक प्रोफाइल है जो आपकी हेल्प कर सकती है, और वो प्रोफाइल है बीम की, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की। बट प्रॉब्लम यह है कि बीम का जो सिलेबस है बहुत ही बड़ा है, सिलेबस जो है वो बहुत ही बड़ा है। उसको सीखने में अप्रॉक्स 4 महीने तो मिनिमम लग जाते हैं। कितना लग जाता है? 4 मंथ्स लग जाता है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करना है, बीम में एंट्री करना है, तो उसके लिए एक स्मॉल ट्रिक देता हूं आपको, छोटा सा ट्रिक देता हूं, इसको फॉलो करो। क्योंकि मुझे यह भी पता है कि आप 4 महीने प्लस जो उसकी फी होती है वो फी भी बड़ी हो जाती है, तो वो दोनों चीज अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है बच्चों। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आप 4 महीने, अब मुझे पता है साइट पर कितनी सैलरी मिल रही है, 15,000, 12,000, 18,000, 20,000, इससे ज्यादा नहीं मिल रही है। 5-6 साल के एक्सपीरियंस को तो 25-30 मिल जाएगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और 5-6 साल का मतलब है कि आपके पास फैमिली भी अपनी सब कुछ मैनेज करना है। तो अब ऐसे में आपके लिए सबसे बेस्ट टेक्निक बता रहा हूं, जो इसको अगर आपने फॉलो किया तो शायद आपकी लाइफ बन जाएगी, वो ये है कि आप रेविट आर्किटेक्चर और ऑटोकैड, इन तीनों को एकदम पी जाओ। पीना मतलब कैसे? पीना इन द सेंस कि डीप नॉलेज ले लो। रेविट आर्किटेक्चर में आप ऐसे ऐसे मॉडल क्रिएट करने स्टार्ट कर दो कि देख लोगों लगे यार ये रेविट में बना है। ठीक है, रेविट एस्टिमेशन, उसके अंदर रेविट के अंदर एस्टिमेशन पार्ट रहता है और स्ट्रक्चर के लिए भी एस्टिमेशन पार्ट रहता है। रेविट स्ट्रक्चर को ऐसे कर दो कि ड्राइंग आई डिटेलिंग करने में 2 मिनट लगे, 2 मिनट पूरी डिटेलिंग गायब कर दो, मतलब कंप्लीट कर दो। अगर आपके पास इतना नॉलेज हो गया और साथ ही साथ ऑटोकैड का बेसिक नॉलेज तो लगेगा, और इसके साथ ये तो चलो ठीक है टूल हो गए, टूल के साथ BIM के कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको सीख लो। BIM के कॉन्सेप्ट्स मतलब क्या होता है, 2D क्या होता है, 3D क्या, 4D, 5D, 6D, 7D क्या होता है, रेरा के रूल्स क्या होते हैं, बिल्डिंग बाय लॉ क्या होता है, उसके साथ ये बीम स्ट्रेटजीज क्या क्या होती है, कैसे कैसे स्ट्रेटजीज बनाते हैं, 60, 70 में क्या क्या चीजें आती है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंसी क्या होती है, तो थोड़ा सा बीम का डीप नॉलेज ले लो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इंटरव्यू के लिए क्या कर रही है, आपने डीप नॉलेज ले लिया, चलो भाई इंटरव्यू में ये पूछेंगे। रेविट आर्किटेक्चर का अच्छा नॉलेज हो गया, रेविट स्ट्रक्चर का अच्छा नॉलेज हो गया दोस्तों। अब इसके बाद ज्यादा पैसे मत लगाओ, ठीक है, मैं कल ये नहीं कहूंगा कि आप सीखो मत उसके आगे, बट मुझे पता है कि रेविट आर्किटेक्चर भी स्ट्रक्चर सीखने में परफेक्ट होने में 2 महीने लग जाएंगे आपको, और इतना सफिशियंट है क्योंकि आपको आपके पास टाइम ड्यूरेशन कम होता है प्रैक्टिस के लिए, तो उस बीच में आपको ये करने में प्रॉब्लम जाती है। इनको अच्छे तरीके से सीखो, बीम का पूरा कॉन्सेप्ट सीखो। रेविट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में कहीं पे कमजोर भी रहोगे तो कंपनीज वैसे भी ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करती है, तो आपको पता चल जाता है उनका काम क्या है।
चलिए अब सीख लिया हमने रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर और ऑटोकैड हमने सीख लिया। इसके बाद बीम का कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर लिया, पूरा बीम का कॉन्सेप्ट परफेक्ट कर लिया, क्या क्या चीजें भाई इसके लिए लगती है। चलो डन, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कैसे अप्रोच करना है कंपनीज को। तो कंपनीज को अप्रोच करने के लिए मैं आपको बोलूंगा कि स्टार्टिंग जो होगी आपकी लेस सैलरीज होगी, बट जो अभी करंट जॉब कर रहे हो इसे थोड़ी थोड़ी सेविंग करो। 12 कमा रहे हो तो 4 सेविंग करो, 15 कमा रहे हो तो 7 सेविंग करो, इस तरीके से कुछ सेविंग्स मेंटेन कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप बीम में एंट्री करोगे, ठीक है, एज अ रैबिट मॉड्यूलर, एज अ बी मॉड्यूलर या एज अ ड्राफ्टमैन भी हो सकता है आपको एंट्री करना पड़े, जब एंट्री करोगे तो उस समय आपकी सैलरी लेस होगी, क्योंकि उस फील्ड में आप नए रहोगे। लेकिन अगर 6 महीने मेहनत कर लिया, 6 मंथ मेहनत कर लिया, जो इधर आपने बैकअप बनाया था इसको उधर मेंटेन कर दिया, लगा दिया, बिलीव करो आपका काम हो जाएगा। आप बहुत ही इजीली इधर कोई चीज उधर से किया और उस पे हो गया आपका। अब बात आती है कि सर इसको सीखे कैसे, ठीक है, रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर को कैसे सीखे। तो भाई देखो, कई वीडियोस हैं यूट्यूब पे ऑलरेडी, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप यूट्यूब के वीडियोस से सीख लो, मेरे खुद के बहुत ढेर सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पर। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि वीडियो कोर्स कर सकते हो, unixsivil.com पे यूनिक्स वीडियो कोर्स अवेलेबल है, वहां से रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर का वीडियो कोर्स ले सकते हो। या फिर अगर आपके पास टाइम है तो नीचे कमेंट करना, अगर ढेर सारे कमेंट रहेंगे तो मैं प्लान करूंगा एक रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर प्लस बीम कॉन्सेप्ट का एक नया बैच लॉन्च कर दूंगा लाइव। उसको ऐसा करूंगा कि आप साइट पर रह के उसको अटेंड कर सके लेक्चर को, या फिर एकदम मॉर्निंग में कर दूंगा, आप ईयरफोन लगा के मोबाइल में ऐसे देख के आराम से एक्सेस कर सकते हो, मतलब मोबाइल में आराम से सुन रहे हो आप, ठीक है, वहां पर पढ़ो आप, उसके बाद रात में मैं ऑनलाइन आता हूँ 10:30 से 11, तो आपको कुछ डाउट है तो उधर आके डाउट को पूछ लो। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो मुझे कमेंट करना, ऑटो सॉरी रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर और बीम कॉन्सेप्ट, तो ऐसा अगर कमेंट करते हो तो मैं प्लान करूंगा अगर ज्यादा कमेंट रहे तो। और साथ ही साथ देखो, मैं पहले बता दे रहा हूँ कि आपको एक बार स्टार्टिंग, और मैं तो फी ज्यादा रखता नहीं, आप सबको पता मेरे किसी भी कोर्स का फी आई डोंट थिंक कि ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही रखूंगा जितने आप अफोर्ड कर सको, अपने सैलरी से थोड़ी सी सेविंग निकाल के कर सको। अब जब इसको स्टार्ट करोगे सीखने के लिए दोस्तों, अगर आप कहीं भी सीखते हो, ठीक है, ऑफलाइन मत सीखो आप। क्यों ऑफलाइन सीखोगे? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप कहीं भी सीखने जाओगे तो टाइम पे जाना पड़ेगा, भैया साइट इंजीनियर का टाइम आप सबको पता है कैसे होता है, ठीक है, तो वो अटेंड नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, मान लो अटेंड नहीं कर पाए तो वो तो लेक्चर तो स्किप हो गया, अब नेक्स्ट क्लास में तो नेक्स्ट टॉपिक सर्च ही ले लेंगे, वो भी प्रॉब्लम होगा। एटलीस्ट लाइव क्लास में क्या रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, जहां पे भी आपको साइट पर जैसे दिन भर काम नहीं रहता, कभी कभी बीच बीच आप फ्री रहते हो, अपना जो पुराना लेक्चर है उसको लाइव को ओपन कर लिया, और ओपन करके अपना काम भी कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। देखो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, जिसको हो गया कि मुझे आगे की लाइफ को थोड़ी कंफर्ट बनानी है, ठीक है, फैमिली को अच्छी लाइफ देनी है, तो वो समझेगा कि यार अभी नहीं किया तो बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगी। और आप सबको पता है, कई लोग तो यहाँ पर कमेंट भी करने वाले हैं कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं परेशान हूँ कि क्या करूँ, और अब मैनेज नहीं हो पा रहा है चीजें, और दिक्कत क्या होती है, जैसे आपकी सैलरी 25-30 हो गई, अब 25-30 हो जाती है, ऐसा नहीं है कि साइड में होती नहीं 25-30, कई लोग होंगे इसमें 25-30 सैलरी ले रहे होंगे, बट प्रॉब्लम क्या आती है, इसके बाद ग्रोथ एकदम 0-0 पे लेवल हो जाता है, 1% 2% ग्रोथ। तो अब दूसरी एक तरफ ये देखते हैं 25-30 हज़ार सैलरी देख लिया, दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्केट में जब जाएंगे तो 12 हज़ार बोल रहे हैं, वो 15 हज़ार बोल रहे हैं रैबिट आर्किटेक्चर, रैबिट स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि आप बिगिनर हो। अब ये समझ नहीं आता कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो भाई एक बार तो आपको जंप लेना पड़ेगा, यहां से आना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। हाँ, अपने साइट इंजीनियरिंग के जो जॉब है उसको ऐसा दिखाओ इनको कि भाई वो यूजफुल है आपके लिए। कैसे दिखा सकते हो? सर आई हैव अ गुड प्रैक्टिकल अप्रोच बिकॉज आई डिड बाई 5 to 6 years, और जो भी आपने 2-3 साल जो भी लगाए हैं, आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस इन ऑन साइट, सो आई कैन यूज दैट परस्पेक्टिव इन मॉडलिंग सेक्टर, इन डिटेलिंग सेक्टर वेरी वेल, सो देख कैन कोरिलेट को कि हाँ यार इसका तो एक्सपीरियंस काउंट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, और अगर एक्सपीरियंस काउंट कर लिया कंपनी ने तब तो जिस सैलरी पर हो आप उस सैलरी पर आ जाएगा। इट्स ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन, आप कैसे बात करते हो, कैसे अपने एक्सपेरिमेंट्स को जो आपका एक्सपीरियंस है उसको कैसे कोरिलेट करते हो, कैसे उनको बताते हो, उस पर डिपेंड करता है। मैंने भी कई इंटरव्यू लिए हैं तो मैं आपको एक इंटरव्यू का सैंपल बताता हूँ। एक इंटरव्यू में एक लड़का था बीइंग की प्रोफाइल के लिए मेरे पास आया था, आई सेड मेरा एक ही क्वेश्चन था, व्हाई वांट टू लेफ्ट योर साइट इंजीनियरिंग जॉब, तो ही सेड सर बहुत आउटसाइड साइड है,
ठीक है, और बहुत थक जाते हैं, इतना हार्ड वर्क है, मुझे थोड़ा कंफर्ट और ऑफिशियल जॉब चाहिए। जिस दिन आपने ये आंसर किया मतलब आप गए, ठीक है, पॉजिटिव आंसर दो, ये बोलो कि आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस बट राइट नाउ आई वांट टू लर्न समथिंग न्यू इन मॉडलिंग सेक्टर, समथिंग न्यू इन डिटेलिंग सेक्टर, समथिंग न्यू इन बीआईएम सेक्टर, पॉजिटिव कर दो उसको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद जय भारत। सभी साइट इंजीनियर्स को जरूर भेज देना यार, क्योंकि उनका भला होगा तो आपकी कम्युनिटी का भला होगा, कम्युनिटी का भला होगा तो जिसे आप किसी को भला करते हैं, हमेशा बोलता हूँ भला का उल्टा क्या होता है, लाभ। आपको चाहिए कोर्स कम पैसे में चाहिए, जितना बोलोगे उतने में करके हम बना के दे देंगे आपको, और ऐसे टाइम पे करेंगे जिससे आप मैनेज कर सको, तो आप कमेंट करना ऑटो सॉरी रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर और बीम कॉन्सेप्ट सो दैट कि उसको मैं बना सकूं। चलिए जय हिंद जय भारत।